चाहिए थी। आज संत कार्तिक जी की जो जयंती मैं उनको विनम्र अभिवादन करता हूँ, और जो स्वच्छता का उन्होंने ज्ञान या स्वच्छता का जो संदेश दिया है, सभी देशवासी आज उसी के ऊपर अमल कर रहे हैं, और आने वाले समय में भी उन्हीं के स्वच्छता के संदेश को अमल करते हुए स्वच्छता के ध्यान रखेंगे और सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, यही आज के दिन शुभकामना। भाई सोनू कनौजिया जी ने आज राष्ट्र संत गाड़गे बाबा जी की पुण्यतिथि का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया है। हर वर्ष संत गाड़गे महाराज जी के विचारधारा को नमन करने का कार्यक्रम इस स्थल पर आयोजित होता है, और संत गाड़गे महाराज जी की जो विचारधारा है, समाज में फैली हुई अंधश्रद्धा को नष्ट करना, यानी समाज को कर्मकांड से मुक्त करना, ये जो गाड़गे बाबा जी का सपना था, उस विचारधारा को फैलाने का, समझाने का काम ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से हर वर्ष किए जाते हैं। मैं मेरे मित्र सोनू भाई कनौजिया जी को बधाई देता हूँ कि समाज के विकास के लिए अपने जो पूर्वज थे उनकी विचारधारा को कार्यरत रखने का काम वो और उनके तमाम साथी, मेरे मित्र मुंबई बसपा के उपाध्यक्ष भाई शैलेश पवार जी और तमाम साथी कर रहे हैं। हमें बड़ी खुशी है कि हमारे महापुरुषों की विचारधारा आज भी हमारे परिवार तक जीवित है, और यही भारत की जीत है। धन्यवाद। आज 3 दिसंबर आज महान ऐसे संत गाड़गे महाराज जी की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर जो उत्तर भारत में कांतिराम साहब ने जो नारा दिया था कि जाति जोड़ो, आज हर जात में कांतिराम साहब ने एक नई पहल पैदा की है, उसी का ये नतीजा है कि आज हमारे उत्तर प्रदेश का धोबी समाज का भाई या मुंबई में कमाने खाने को आने के बावजूद समय के न रहते हुए भी अपने महापुरुषों को याद कर रहा है और उनकी राह पे चलने की कोशिश कर रहा है। मैं उनके स्मृति दिन के अवसर पर इतना ही कहना चाहूँगा, उन्होंने जो जो अपने समाज के लिए किया है उस राह पर हम लोग सब चलेंगे, यही मैं आज के दिन उनको उनकी बात रखते हुए उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। हर साल हम ये प्रोग्राम इसलिए करते हैं कि समाज में एक मैसेज जाए, मैसेज ये जाए जो हमारे महापुरुष हैं उन्होंने जो त्याग बलिदान दिया है, और आने वाली पीढ़ी को ये हम बताना चाहते हैं कि भाई उनकी वजह से आज हमें इस जगह पे अपने भारत देश में सोचने का मौका मिला है, नहीं तो हम किस तरह से रहते, किस तरह से जीते, इसके बारे में मैं कुछ